हेलो एवरीवन वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सीरीज फॉर मॉड्यूल एम टू आर फाइव वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग और ये है लेक्चर वन इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ एमसीक्यू इंक्लूड किए हैं उन सभी एमसीक्यू के आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट इंटरनेट इज़ डिफ़ाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द वेब इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम वेब पर रखी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए एक सुपर हाईवे है हाउ इट कैन बी डिफ़ाइंड इन मैनी वेज एज फॉलोज इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट को हम बोलते हैं एक वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ एक ग्लोबल सिस्टम जो कि बना है बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को मिला के इंटरनेट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टी सी इंटरनेट यूज़ करता है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल टी इसकी फुल फॉर्म भी एम में आ सकती है टी का मतलब होता है ट्रांसमीशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आई का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज़ डिफाइंड बाय अ यूनिक आई एड्रेस इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर का एक यूनिक आई एड्रेस होता है जिस आई एड्रेस से हम उस कंप्यूटर को पहचानते हैं अब बात करते हैं आई पी एड्रेस क्या होता है तो आई पी एड्रेस इज़ अ यूनिक सेट ऑफ़ नंबर्स सच एज़ वन वन ज़ीरो डॉट टू टू डॉट थ्री थ्री डॉट वन वन फोर विच आइडेंटिफाइज़ अ कंप्यूटर लोकेशन बेसिकली आई पी एड्रेस क्या होता है एक यूनिक सेट ऑफ़ नंबर होता है फॉर एग्जांपल ये एक आई पी एड्रेस गिवन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंप्यूटर की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं a स्पेशल computer DNS domain name डोमेन नेम सर्वर to give टू गिव द नेम टू so that एड्रेस सो दैट यूजर कैन लोकेट अ कम्प्यूटर बाई नेम अब जब भी हमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलना होता है यूजिंग इंटरनेट तो हम डालते हैं उसका नाम ना कि आईपी एड्रेस तो ऐसे कैसे होता है डोमेन नेम सर्वर कन्वर्ट करता है उन नेम को उनके कॉरस्पोंडिंग आई एड्रेस में कैसे फॉर A DNS server will resolve a name https www.google.com to a particular IP address to uniquely identify the computer on which this website is hosted. जैसे ही हम अपने गूगल में एड्रेस बार में लिखते हैं एच टी टी पी एस डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम तो डी एन एस सर्वर क्या करता है कन्वर्ट करता है इस नेम को टू द पर्टिकुलर आई पी एड्रेस जिसकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो कंप्यूटर जहाँ पे ये पर्टिकुलर वेबसाइट होस्ट की गई है तो ये सारा काम कौन करता है डी सर्वर हमें सिर्फ नेम याद करना होता है और उस नेम को हमें सर्च करना होता है एड्रेस बार में इंटरनेट इज़ एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट को कोई भी यूज़र वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में एक्सेस कर सकता है सो so यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली है इसका मतलब क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है कोई भी यूज़र इसे ईजीली यूज़ कर सकता है यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि ये शो कर रहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम अपनी डेली लाइफ में कितनी अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि हम किसी को कॉल कर सकते हैं हम वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट हम किसी को मेल भेज सकते हैं और हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और हम चाहें तो हम किसी तरह का डेटा अगर जो वेब पे अवेलेबल है उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो कुछ डेटा अपलोड कर सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम यूजिंग इंटरनेट परफॉर्म कर सकते हैं बात करते हैं एवोल्यूशन या फिर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज ऑरिजिनेटेड इन 1969 एंड हैज़ अंडर गॉन सेवरल टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस एज डिस बिलो 1969 में पहली बार इंटरनेट का कंसेप्ट आया था और उसके बाद इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते गए जैसे कि द ऑरिजन ऑफ इंटरनेट डिवाइस्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आरपानेट पहली बार जो इंटरनेट था वो था आरपा नेट एक्चुअली में इंटरनेट से पहले हम यूज़ करते थे आरपा नेट आरपा नेट वॉज डेवलब्ड बाई द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स ने आरपा नेट को बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए जो भी डिफेंस में एक्टिविटीज़ होती है उनमें आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आरपा नेट बनाया गया था उसके बाद इसे मॉडिफाई करते करते आज जाके हम इसे इंटरनेट बोलते हैं द बेसिक पर्पज ऑफ आरपा नेट वॉज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क चाहिए था तो उस नेटवर्क को नाम दिया गया आरपा नेट बाई यूनाइटेड स्टेट्स इनिशियली वर ओनली फोर नोड्स फॉर्मली कॉल्ड होस्ट जब पहली बार आरपानेट बनाया गया था तो उस टाइम पे सिर्फ चार नोड थी मतलब एक बारी में चार डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स ही आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे नोड्स को हम बोलते हैं होस्ट इन 1972, सेवेंटी टू द आर्पानेट स्प्रेड ओवर द ग्लोब विद ट्वेंटी थ्री नोड्स लोकेटेड एट डिफरेंट कंट्रीज एंड नोन एज इंटरनेट 1972 में आरपा नेट के अंदर क्या हुआ कि चार नोड की बजाय 23 नोड्स तक हम कम्युनिकेट कर पा रहे थे मतलब 23 नोड्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेट करके भी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे और उस टाइम पे हमने इसका नाम दिया इंटरनेट बाय द टाइम विद in invention इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ सच एज़ टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल्स डी एन एस डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू ब्राउजर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्सेट्रा इंटरनेट प्रोवाइडेड अ मीडियम टू पब्लिश एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इसके बाद जैसे ही टाइम के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ गए डी एन एस आ गया वर्ल्ड वाइड वेब आ गया ब्राउजर्स आ गए तो अब क्या कर सकते हैं हम इंटरनेट पर अपने किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं तो ये था एवल्यूशन ऑफ़ इंटरनेट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट इंटरनेट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वन कैन थिंक ऑफ हेयर वी विल डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट इंटरनेट आज की लाइफ में ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर करता है जो भी एक इंसान सोच सकता है तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट फर्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग जितने भी हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप स्नैपचैट इन सब में हम क्या करते हैं हम अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर पाते हैं हम एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं यूजिंग इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू ही हम अपने मैसेजेस को अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिलीज़ को सेंड कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल शेयर कर सकते हैं इवन आज तो बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे जा कि जूम है स्काइप है जिनका इस्तेमाल करके हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट मतलब आपका मनोरंजन कैसे होता है यूजिंग इंटरनेट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स है अमेजन प्राइम है जहाँ पे आप मूवीज़ देखते हैं वेब सीरीज़ देखते हैं और बहुत सारा स्टफ़ देखते हैं तो इस तरीके से इंटरनेट की हेल्प से हम अपने इंटरटेनमेंट को भी कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ़ ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन जाके हम शॉपिंग कर सकते हैं जैसे कि अमेजन से फ्लिपकार्ट से ई से या फिर हम अपने मोबाइल फ़ोन का बिल पे कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो अपनी किसी वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं ऐसे नंबर ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट हाउ एवर इंटरनेट हैज प्रूव्ड टू बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड येट देयर एग्जिस्ट मैनी डिसडवाटेजेस डिस्कस्ड बिलो ये हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन का एक पावरफुल सोर्स है इंटरनेट हर एक फील्ड में हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज़ थ्रेट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे पास बहुत सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है फेसबुक स्नैपचैट व्हाट्सएप और यहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स अपनी पर्सनल फोटोज़ को शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है कि कोई भी यूज़र इंटरनेट पे आके उन्हें देख सकता है उन्हें यूज़ कर सकता है तो इस तरीके से हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्या है थ्रेट है नेक्स्ट इज़ स्पैमिंग कई बार आपने देखा होगा हमें स्पैम मेल्स आती हैं उन स्पैम मेल्स में क्या होता है कई बार वो लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट भेज देते हैं या फिर वो कुछ ऐसा स्टफ़ भेजते हैं जिसको यूज़ करके वो हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड तक भी हैक कर सकते हैं तो इस तरीके से हमें स्पैमिंग से बचना चाहिए नेक्स्ट इज़ साइबर क्राइम आपने देखा होगा साइबर क्राइम क्या होता है साइबर क्राइम में क्या होता है कि ऑनलाइन कोई आपकी फ़ोटो को कोई आपके स्टफ़ को यूज़ करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है ठीक है सपोज़ किसी ने आपका वीडियो वायरल कर दिया है ऑनलाइन तो वो उसे यूज़ करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो ये साइबर क्राइम होता है तो इस तरीके के थ्रेड्स होते हैं इंटरनेट को यूज़ करने से नेक्स्ट वायरस अटैक इंटरनेट का इस्तेमाल करके कई बार क्या होता है हमारे कंप्यूटर में कई बार अटैक हो जाता है वायरस का कैसे कि ऑटोमेटिकली कोई वायरस की एग्जी फाइल अपने आप ही इंस्टॉल हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर सो so, उससे क्या होता है कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है कंप्यूटर के अंदर उस पर थ्रेट आ सकता है कि मतलब कोई भी यूज़र हमारी जो फाइल्स है जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पॉटेंट है उनको हैक कर सकते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनेट की अब बात करते हैं डब्ल्यू 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 की वर्ल्ड वाइड वेब डब्लू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल द रिसोर्स एंड द यूजर्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर हम बात करें टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब तो वो क्या होती है जितने भी रिसोर्स हैं या फिर जितने भी यूजर्स हैं ऑन द इंटरनेट अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं हाईपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एच टी टी पी इट मीन्स वो कहाँ पर है वो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जुड़े हुए हैं ब्रॉडर डेफिनेशन कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट वेब इन्वेंटर टिम बर्नर्स ली एक इम्पॉर्टेंट नाम टिम बर्नर्स ली जिन्होंने वेब को इन्वेंट किया था हेल्प फाउंड द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डब्ल्यू थ्री सी डब्ल्यू थ्री सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है वर्ल्ड वाइड वेब की वो क्या है द वर्ल्ड वाइड वेब इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड एम्बॉयमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज मतलब वर्ल्ड वाइड वेब एक यूनिवर्स है नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन का मतलब यूनिवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ पे नेटवर्क्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इन सिंपल टर्म्स द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट अगर सिंपली बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है एक तरीका होता है जिसका इस्तेमाल करके हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं टाइंग देम टुगेदर इनटू अ वास्ट कलेक्शन ऑफ़ इंटरेक्टिव मल्टी मीडिया और वो कंप्यूटर्स बहुत से मल्टी मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेट एंड वेब इज़ नॉट द सेम थिंग वेब यूज़ इंटरनेट टू पास ओवर द इंफॉर्मेशन कई बार लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इंटरनेट और वेब सेम है ये गलत है वेब क्या है वर्ल्ड वाइड वेब एक वेब है और इंटरनेट क्या है एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम वेब पे रखी हुई इंफॉर्मेशन को पास करते हैं फ्राम सेंडर टू रिसीवर अब बात करते हैं वेबसाइट की वेबसाइट क्या होती है अ वेबसाइट ऑल्सो रिटर्न एज वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर वेबसाइट को हम बोलते हैं वेब की एक साइट जिसका मतलब क्या होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बहुत से वेब पेजेस को मिला के बनती है एक वेबसाइट जो कि क्या होती है रिलेटेड कंटेंट के से जुड़े होती है दैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम और एक वेबसाइट का एक कॉमन डोमेन नेम होता है जिसको हम पब्लिश करते हैं एक वेब सर्वर के ऊपर नोटेबल एग्जाम्पल्स आर विकीपीडिया डॉट ओ आर जी गूगल डॉट कॉम एंड एमेजन डॉट कॉम ये तीनों अलग अलग वेबसाइट्स के डोमेन नेम हैं और ये तीनों किसी ना किसी वेब सर्वर पे क्या होंगे पब्लिश हुए होंगे ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब जितनी भी पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स हैं वो अपने आप ही वर्ल्ड वाइड वेब को कॉन्स्टिट्यूट करती है मतलब मतलब जितनी भी पब्लिकली मतलब जो भी यूजर्स के लिए अवेलेबल वेबसाइट्स हैं वो इस्तेमाल करती है वर्ल्ड वाइड वेब का देयर आर आल्सो प्राइवेट वेबसाइट्स दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क सच एज अ कंपनीज इंटरनल वेबसाइट फॉर इट्स एम्प्लॉयज लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती है जिन्हें हम बोलते हैं प्राइवेट वेबसाइट्स जो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज के यूज़ के लिए ही बनाई जाती है और उनके लिए हमें सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क का ही यूज़ करना होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे वो अवेलेबल नहीं रहती है वेबसाइट्स आर टिपिकली डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्पस, सच एज न्यूज़ एजुकेशन कॉमर्स एंटरटेनमेंट और सोशल नेटवर्किंग आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट किसी न किसी एक टॉपिक को डेडिकेट होती है मतलब किस परपज़ के लिए वो वेबसाइट बनाई गई है या तो उसमें सिर्फ न्यूज़ होंगी या वो एजुकेशनल वेबसाइट होगी या वो कॉमर्स के लिए होगी या वो या वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई होगी या फिर उस पर सोशल नेटवर्किंग की न्यूज़ वगैरह शेयर होंगी हाइपर लिंकिंग बिटवीन द वेब पेजेस गाइड्स द नेफिगेशन ऑफ द साइट विच ऑफन स्टार्ट विद अ होम पेज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है सो द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड एज अ होम पेज और वेबसाइट्स पर क्या होता है बहुत सारे हाइपर लिंक्स दिए होते हैं उन हाइपर लिंक्स पर क्लिक करने से क्या होता है जो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज है वो आपस में कनेक्ट होते हैं यूजिंग द हाइपर लिंक्स इस तरीके से बनती है एक वेबसाइट यूजर्स कैन एक्सेस वेबसाइट ऑन अ रेंज ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स यूजर्स वेबसाइट को बहुत सारे डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप से टैबलेट से या फिर स्मार्टफोन से द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज ऑन दीज डिज़ इज़ कॉल्ड अ वेब ब्राउजर लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो सारे डिवाइस पे होनी चाहिए टू एक्सेस अ वेबसाइट इज़ कॉल्ड अ वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, गूगल क्रोम क्या है एक वेब ब्राउजर है और गूगल क्या है गूगल एक सर्च इंजन है ऐसे याहू क्या है याहू एक सर्च इंजन है ईच वेब पेज इज रिटर्न इन कोड्स एंड दीज कोड्स डिस्क्राइब द लेआउट फॉर्मेट एंड द कंटेंट ऑफ द पेज हर एक वेब पेज किसी न किसी कोड में लिखा होता है और वो कोड डिस्क्राइब करता है क्या होगा वेबसाइट का लेआउट फॉर्मैट एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज द मोस्ट कॉमन कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस इज एच टी एम एल एक बेसिक कॉमन कोडिंग लैंग्वेज जिसको यूज़ करके वेब पेज क्रिएट होते हैं वो होती है एच टी एम एल लैंग्वेज ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट और स्टेशनरी वेबसाइट्स स्टैटिक वेबसाइट्स को हम फ्लैट या फिर स्टेशनरी वेबसाइट्स भी कहते हैं दे आर लोडेड ऑन द क्लाइंट्स ब्राउजर एज एग्जैक्टली दे आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर जिस तरीके से वेब सर्वर पे स्टैटिक वेबसाइट स्टोर होती है उसी तरीके से वो क्लाइंट के ब्राउजर पे लोड हो जाती है सच वेबसाइट्स कंटेन ओनली स्टैटिक इंफॉर्मेशन यूज़र कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है उसमें वो इंफॉर्मेशन रहती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है यूज़र सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी इंट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है स्टैटिक वेबसाइट्स आर क्रिएटेड यूजिंग ओनली एच टी एम एल एच टी एम एल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स आर ओनली यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज़ नो मोर रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड स्टैटिक वेबसाइट्स जब बनती है जब हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं करना होता टाइम के साथ जो एक बार इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे आ गई हैं वो हमेशा के लिए वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है नेक्स्ट बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स की डायनेमिक वेबसाइट्स शोज डिफरेंट इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या होता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शो होती है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर इट इज पॉसिबल टू चेंज अ पोर्शन ऑफ द वेब पेज विदाउट लोडिंग द इंटायर वेब पेज मतलब पूरे वेब पेज को बिना लोड करे भी हम किसी भी वेब पेज के पोर्शन को चेंज कर सकते हैं इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल यूजिंग ए टेक्नोलॉजी ये हो पाता है एजैक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे बैंक की वेबसाइट होती है जैसे कि एस की वेबसाइट होती है उसमें क्या होता है टाइम टू टाइम डेटा अपडेट होता रहता है मतलब जैसे हमारा अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होता है हर मंथ अपडेट होता है उसमें इंटरेस्ट आता है या फिर जो हम डिपॉजिट करते हैं जो विड्रॉ करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है तो इस टाइप की वेबसाइट कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट्स बात करते हैं वर्किंग ऑफ वेबसाइट्स हेयर आर सम बेसिक टर्म्स पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को अ वेबसाइट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ़ वेब पेजेस ऑफ कोड्स एक वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कोड्स के वेब पेजेस और उन कोड्स में क्या लिखा होता है वो कोड्स डिस्क्राइब करते हैं क्या लेआउट होगा क्या फॉर्मेट होगा और क्या कंटेंट होगा उस पर्टिकुलर वेब पेज पे द वेब सर्वर इज़ अ इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर दैट रिसीव्स द रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज सेंट बाय योर ब्राउजर एक वेब सर्वर होता है एक इंटरनेट से कनेक्टेड हुआ हुआ एक कंप्यूटर जहाँ पे हमारी वेबसाइट क्या होती है पब्लिश होती है और जो हमारा वेब ब्राउजर होता है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर वेब पेज अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करना है तो मैं ब्राउजर के हेल्प से एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगी टू द वेब सर्वर और उसी के बाद मुझे वो वेब सर्वर उस वेब पेज को शो करने देगा द ब्राउज़र कनेक्ट्स योर कम्प्यूटर टू द सर्वर थ्रू एन आई पी एड्रेस ब्राउज़र का इस्तेमाल करके मैं अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करती हूँ सर्वर के साथ थ्रू एन आई पी एड्रेस द आई पी एड्रेस इज ऑपटेन बाई ट्रांसलेटिंग द डोमेन नेम यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डी एन एस सर्वर क्या करता है डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है आई पी एड्रेस में डोंट वरी दिस पार्ट इज ऑल डन बाय ऑटोमेटिकली बाई योर ब्राउजर यू डू नॉट हैव टू लुक अप टू द आई पी एड्रेस योर सेल्फ हमें सिर्फ वेबसाइट्स के नाम याद करने होते हैं आईपी एड्रेस से हमें कुछ भी मतलब नहीं होता ये सब ब्राउजर्स अपने आप ही कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर देते हैं सो इन अदर वर्ड्स इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट यू विल नीड अ वेबसाइट अ डोमेन नेम एंड अ सर्वर अगर आपको कोई भी वेबसाइट अपनी खुद की वेबसाइट अगर डिस्प्ले करनी है इंटरनेट के ऊपर तो आपको चाहिए पहले एक वेबसाइट फिर एक डोमेन नेम और एक सर्वर डोमेन ने मतलब एक ऐसा यूनिक नाम जिसका यूज़ करके कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को ऑन द इंटरनेट एक्सेस कर सकता है ढूँढ सकता है और एक सर्वर जहाँ पे वो वो वेबसाइट पब्लिश होगी मतलब जो भी आपकी वेबसाइट्स में डेटा रखा होगा उस डेटा की स्टोरेज देगा आपका वेब सर्वर तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट्स वर्क करती हैं अब बात करते हैं वेब पेज की अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अवेलेबल होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर एंड कैन बी व्यूड यूजिंग अ वेब ब्राउजर वेब पेजेस स्टोर होते हैं वेब सर्वर के ऊपर और वेब पेजेस को व्यू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउजर का तो वेब साइट क्या होती है वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अ वेब पेज कैन कंटेन ह्यूज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो एंड हाइपर लिंक्स एक वेब पेज पे बहुत सारी ह्यूज इंफॉर्मेशन हो सकती है जैसे कि टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो और हाइपर लिंक्स दीज हाइपर लिंक्स आर द लिंक टू अदर वेब पेजेस इन हाइपर लिंक पे क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज से भी लिंक हो सकते हैं कलेक्शन ऑफ लिंकड वेब पेजेस ऑन द वेब सर्वर इज कॉल्ड एज वेबसाइट जब बहुत सारे वेब पेजेस आपस में लिंक हो जाते हैं वेब सर्वर के ऊपर तो वो कहलाती है एक वेबसाइट देअर इज़ अफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यू आर एल इज़ एसोसिएटेड विद ईच वेब पेज हर एक वेब पेज का एक होता है यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या है इसकी फुल फॉर्म है ये इम्पॉर्टेंट है सो so, हर वेब पेज को ढूंढने के लिए एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जिसका इस्तेमाल करके हम वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी भी वेब पेज को ढूंढ सकते हैं अब बात करते हैं वेब पेज के एग्जाम्पल की यहाँ पे मैंने डब्ल्यू की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट लिया है ये एक वेब पेज है जिसमें हमें बताया गया है कि किस टाइप से हम डाउनलोड कर सकते हैं थर्टी प्लस फ्री विंडोज़ एंड ऑफिस ई बुक्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट तो इस तरीके से वेब पेज क्रिएट किया जाता है अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एम सी क्यूज को तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में तो मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वट इज़ अ वेब ब्राउज़र a program that can display a web page a program used to view html documents it enables user to access the resources of internet all of the above mentioned question number 2 is url stands for unique reference label uniform reference label uniform resource locator unique resource locator next is a home page is uh, an index of encyclopedia articles where all internet data is stored required for access to the internet the first page of website question number 4 is what is a search engine a program that searches engines a website that searches anything a hardware component ya a machinery engine that search data और आज का स्टार क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देने वाले हैं कमेंट बॉक्स के अंदर और मैं नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस के आंसर को पहले डिस्कस करूँगी और उसके बाद हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर आपको इस तरीके से और भी लेक्चर्स चाहिए और और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग ओ लेवल या फिर ट्रिपल सी एग्ज़ाम तो बने रहिए ओ लेवल जी एस अड्डा के साथ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपना प्यार अपना साथ इस तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए वी नीड योर सपोर्ट एंड आपको इसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सो आज के लिए थैंक यू सो मच